Hello and welcome to my channel. In this video, we will learn about irrational number. इस वीडियो में हम जानेंगे कि irrational number क्या होते हैं और अगर हम दो irrational number को add, subtract, multiply या divide करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. Irrational number के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं, जैसे कि numbers दो type के होते हैं. पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं. फिलहाल हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना है. रियल नंबर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल. रेशनल नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है. स्टूडेंट्स, मैंने अपने पहले वीडियो में रेशनल नंबर के बारे में बता रखा है, उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं. फर्दर मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या फिर रिपीटिंग डेसिमल होता है. टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब उसका डेसिमल कुछ डिजिट्स के बाद जाके रुक जाएगा. रिपीटिंग डेसिमल का मतलब उसका डेसिमल जो है रुकेगा नहीं, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करेगा. लेकिन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है. जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होता है. जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होता है. और इरेशनल को अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, साथ में नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, दोनों उसमें होता है. जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है 0.02, 002, 0002, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जा रहा है इनफाइनाइट तक. ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग भी हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होने की वजह से क्या है, ये इरेशनल नंबर है. और एग्जांपल क्या है, रूट टू, रूट इलेवन, क्यूब रूट 21, ये तीनों क्या है, इरेशनल है. तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है या फिर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है वो इरेशनल होते हैं. अब परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4. परफेक्ट क्यूब जैसे कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2. पाई भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. कैसे, तो पाई का जो वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है 3.147. ये आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा, कहीं टर्मिनेट नहीं करेगा, ना ही किसी पैटर्न को रिपीट करेगा. लेकिन आज तक हमने पाई की वैल्यू को 22/7 पढ़ा है. ये जो 22/7 होता है ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, जिसको रखने से हमारा कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाता है. लेकिन 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और दोनों इंटीजर भी हैं और क्यू की जगह 7 है और ये 0 भी नहीं है. अब हमें अगर किसी दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं. मान लेते हैं कि वो दो नंबर जो है वो 3 और 5 है, दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए. ठीक है, 3 और 5 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है तो 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे. 3 × 5 कितना आएगा, 15. 15 का स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है 3 और 5 के बीच का. ठीक है, और नोट करने वाली पॉइंट ये है कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए. अगर दोनों नंबर सेम हो गए, जैसे कि यहाँ पे 5 × 5 लिखा है, दोनों नंबर सेम है, तो 5 × 5 क्या होगा, 25. 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5, जो कि एक रेशनल नंबर है. आप आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल. मतलब अगर हम कोई एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा. एग्जांपल देखते हैं, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो
इरेशनल मिलेगा। यहाँ पे टू क्या है, रेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है। इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल होगा ऑलवेज। नाउ कमिंग कम टू सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा हमेशा वो इरेशनल ही मिलेगा। जैसे कि एक रेशनल है टू, रूट थ्री क्या है इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टू रूट थ्री, ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। फिर यहाँ पे टू रेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, इन दोनों को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे रूट थ्री इरेशनल है, टू रेशनल है, इन दोनों को भी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो भी नंबर मिलेंगे वो हमेशा क्या मिलते हैं, इरेशनल मिलेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग है। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल, दो इरेशनल का जो सम और डिफरेंस है वह जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है रूट थ्री और रूट टू, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों क्या है इरेशनल है, दोनों इरेशनल है, दोनों को ऐड करने पे क्या मिला हमें इरेशनल। रूट फाइव और रूट थ्री को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नंबर मिलेगा वो क्या मिल रहा है इरेशनल। लेकिन यहाँ पर टू प्लस रूट थ्री एक नंबर है जो कि इरेशनल है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का एडिशन है। यहाँ पे फोर माइनस रूट थ्री एक नंबर है जो कि इरेशनल है, क्योंकि यह फोर रेशनल है और ये रूट थ्री इरेशनल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम। ऐड करेंगे अगले स्टेप में इसका ब्रैकेट हट जाएगा, रूट माइनस रूट थ्री और प्लस रूट थ्री कट जाएंगे, टू प्लस फोर क्या हो जाएगा सिक्स, सिक्स क्या एक रेशनल है। तो हमने देखा कि दो इरेशनल को ऐड करने पर हमें क्या मिल गया रेशनल, और यहाँ पे मिल गया इरेशनल। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रॉपर्टी पर। आखिरी प्रॉपर्टी हमारा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल, मतलब अगर दो इरेशनल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें इरेशनल नंबर ही मिले, हमें रेशनल भी मिल सकता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल रूट थ्री और रूट थ्री दोनों क्या है इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री जा क्या हो जाएगा रूट नाइन, और रूट नाइन का वैल्यू क्या होता है थ्री, थ्री एक रेशनल नंबर है, इरेशनल से हमें रेशनल मिल गया। अब यहाँ पे टू रूट सेवन एक इरेशनल है, रूट सेवन एक इरेशनल है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा रूट सेवन से रूट सेवन कट जाएगा, बचेगा टू, टू ए रेशनल है। थर्ड एग्जाम्पल रूट थ्री और रूट फाइव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या होगा थ्री फाइव जा 15, रूट 15 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो ये क्या हो गया इरेशनल। अगेन ही फाइव रूट 33 अपॉन रूट 11, अब रूट 33 को हम 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, फिर ये रूट 3 और रूट 11 अलग अलग हो जाएगा, और फिर इस रूट 11 से ये रूट 11 कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा सी फाइव इंटू रूट 3 जो कि बन जाएगा फाइव रूट 3, फाइव रूट 3 क्या है एक इरेशनल नंबर है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।